अरे सुनो, मैम तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो शिनचैन। ये प्रिंसिपल किंग का मशहूर और ऐतिहासिक चश्मा ही लग रहा है। अरे वाह, मिल गया, इसे ही तो ढूंढ रहे थे हम। अब हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, हम लोगों की मेहनत आखिर रंग लाई। वाह, अरे मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कैसे दिखाई देगा, ये चश्मा 1000 साल से ज्यादा पुराना है। क्या हो रहा है? इस चश्मे को वापस कर दो, मेरा चश्मा वापस कर दो। उसे वापस कर दो। शिनचैन बेटा, जल्दी से वापस कर दो। नहीं, वापस मत करना। वापस कर दो। तो कोई असर नहीं हो रहा। चश्मा कहाँ है? अभी सही मौका है, भाग लो। अपने 7 प्यारे शिनचैन और आलसी हारी को लेकर 7 समुंदर और 5 महाद्वीपों को पार कर खोजती हुई खजानों को, चाहे वो किसी रेगिस्तान में हो या हो किसी जंगल में, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। उबलते लावा को भी पार करूंगी मैं, और मेरा नाम है ट्रेजर हंटर मिसाई। जिस खजाने की खोज में हम निकले हैं, वो वही है जिसकी खोज 11 मुल्कों की ट्रेजर हंटर खोज रहे हैं। वो एक खास द्रव्य है, मैंने सुना है कि उसे गोल्डन बिग शॉप के अंदर रखा गया है। चलो हम चलकर उसे हासिल कर लेते हैं। ठीक है। यह नहीं है। ये अजीब बात है, मुझे भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है। हम क्या कर सकते हैं, चलो चलकर कहीं लंच कर लेते हैं। अच्छा, मुझे तो ये जगह सस्ती और अच्छी लग रही है। ये वाली जगह, अगर चाइनीज डिश की बात करें तो सस्ता और छोटा रेस्टोरेंट स्वाद के मामले में बेहतर होता है। आपको बता दूं कि मैं खाना खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। क्या खाना आप बनाएंगी? कोई परेशानी है क्या? खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। खाना कैसा होगा? ना समझ कहीं के। देखिए खाना कैसा बना है। बहुत अच्छा है। चलो खाते हैं। बड़ा ही अजीब टेस्ट है। ये तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा है। ये नंबर 1 है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में खाना बहुत ही अच्छा बना है। आप आम इंसान नहीं लगते। क्या सच में आपको ऐसा लगता है? आपने मेरा पकाया खाना खा लिया, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये गोल्डन डंपलिंग कैसे बनाती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये एक बहुत ही राज की बात है। हाँ?
हम ये गोल्डन डंपलिंग बनाते हैं इसकी मदद से, और ये बना है ड्रैगन के जादू से। ये एक ड्रैगन है? ये सब कौन है? उसको हमारे हवाले कर दो। वो हमारे बॉस को चाहिए, जल्दी करो। भूल जाओ उसे, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। लगता है तुम आसानी से नहीं मानोगे। तैयार हो? हाँ। कभी तो कोई काम ठीक से किया करो। चलो अब हम उन पर हमला करते हैं। हाय 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 हाय। चलो अब उनको सबक सिखाएं। देखो, अगर तुम लोग और मुसीबत नहीं चाहते हो तो वो चुपचाप वापस कर दो मुझे। चली गई। ये कौन है? तो क्या आप लोग मुकाबले के लिए तैयार हैं? आप चाहती हैं कि हम हमला करें, तो ठीक है। उस ड्रैगन पाउडर को लेकर भाग जाओ। ये क्या है? लो। जल्दी भागो। ये तो रास्ता बंद है। यहाँ से ऊपर चढ़ जाओ, जल्दी करो। पकड़ो इन्हें। तुम भी। कहाँ जाएंगी आप? वैसे आप कौन हैं? मैं सीक्रेट सर्विस की तरफ से यहाँ आया हूँ बुराई का सामना करने। नाम है जेम। हाँ? अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मैम। ओह, आपने मुझे मैडम कहा? मेरा नाम मिसाई नुहारा है। मैम को डिस्काउंट में शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तुम ज्यादा बातें मत करो। ये तो बस ऐसे ही यूं ही बकबक करता रहता है। ओह, जैसा ये बच्चा कह रहा है वैसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं, सच कह रहा हूँ। आप तो मुझे बहुत ही समझदार लगती हैं। क्या सच में? सच में बहुत ही ज्यादा समझदार। ओह, मुझे पता है। आखिर मुझे ये मिल ही गया, मेरा बहुत ही खास ड्रैगन पाउडर। ये क्या कह रहे हो? आखिर तुम हो कौन? अब आपको जाना चाहिए। बाय बाय। ये तुम क्या कर रहे हो? ये डॉगी वापस चाहिए तो हार मान लो। अगर तुम्हें ये आदमी और बच्ची चाहिए तो हार मान लो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो अपनी हार मान लो। ओ, फिर से नहीं। मुझे छोड़ दो अभी के अभी। चुप हो जाओ तुम। अगर हिम्मत है तो आओ और हम पर हमला करो। सोचो मत, आओ और हमला करो। ये मत सोचना हम भाग जाएंगे या छुप जाएंगे। ऐसी हालत में मैं तुम पर कैसे हमला कर सकती हूँ? तुम डरपोक हो, इसलिए बहाना बना रही हो। मैंने कहा चुप रहो। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? बॉस, आपका यहाँ स्वागत है। हाँ, इसका मतलब तुम? तो शायद हम दोबारा मिल रहे हैं मैम। तुम्हारी मदद से मुझे 4000 साल पुराना ड्रैगन पाउडर तो मिल गया है, लेकिन वो आंटी जो इस पाउडर की मदद से गोल्डन डंपलिंग बनाती थी हमारे हाथ से बच निकली। अच्छा बताओ, आंटी ने तुम्हें डंपलिंग बनाना सिखाया था क्या? मैं तो सिर्फ एक वेट्रेस हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने मुझे तो सिखाया था, पर एक बात समझ में नहीं आ रही, उन्होंने ऐसी खास बात मुझे ऐसे ही क्यों बता दी? आंटी ने मुझको बताया था कि एक 5 साल का बच्चा जो बहुत ही शरारती होगा वही बच्चा ड्रैगन पाउडर का असली वारिस होगा। ओ नहीं, इसका मतलब शिनचैन।
हाँ अब मेरी इतनी भी तरह फालतू की बकवास मत करो। ओ नहीं, पर वो तो ड्रैगन का निशान नहीं लगता था। अपने मुंह को बंद रखो। ठीक है, तो आप जल्दी से डंपलिंग बना दीजिए, और अगर आपने मना किया तो आप जानती हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। मैं समझ गई, मुझे वो पकाना है और मैं जरूर करूँगी। लीजिए बॉस। ओ अच्छा, तो ये है गोल्डन ड्रैगन डंपलिंग। चख कर देखते हैं। आऊं? ये तो बहुत ही गर्म है। ये तो गोल्डन ड्रैगन डंपलिंग है ही नहीं। ओ नहीं, आप तो एक बुड्ढे अंकल हैं। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, ये बस एक आम डंपलिंग है और कुछ नहीं। क्या कर सकती हूँ, वो आंटी क्या कह रही थी मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मुझे जैसा आता था मैंने वैसा ही पका दिया। तो बताइए इसका टेस्ट कैसा है अंकल? तुमने तो मेरे बहुत ही खास ड्रैगन पाउडर को बर्बाद कर दिया है। अच्छा ऐसा है, तो ये लीजिए ना, और लीजिए, ये लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ले लीजिए। अरे ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब हो गया। तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्या कहा? हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम माफ करो या ना करो, अब हमें जाना है। तो चलो जल्दी से इन तीनों को सबक सिखाओ। जैसा आप कहें बॉस। मुझे माफ करिएगा, जरा ध्यान से सुनिए, हम तीनों पुलिस वाले हैं। तो अब सुनो माफिया बॉस, हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। तो ये बात है, हे रोको उन्हें। जानते हो अब तक हम तुम्हें चकमा देने के लिए कमजोर होने का नाटक कर रहे थे, क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए? ये दोनों तो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर आओ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं हम। बस अब बहुत हो गया। शिनचान जल्दी से भाग जाओ, यही सही मौका है। मैं तो हार गया। याहू! अब तो सिर्फ यही बचा है। ना समझ हो तुम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बड़ी आसानी से पकड़ लोगे? अलविदा। हम हैं इंटरनेशनल पुलिस, और तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है जेम्स। हमने उसे पकड़ लिया। ठीक है, तो आपने उसे पकड़ लिया। चलो चलो जल्दी करो। ये तो पकड़ा गया, ये बताओ तुमने आगे का क्या सोचा है? मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। मैं जेम्स की तरह लालची नहीं बनना चाहती, बल्कि उसकी जगह मेरे पास एक और खजाने की खबर भी है। वो है इनका किंगडम। इनका किंगडम के ऐतिहासिक राजा तोकुगावा किंग के खजाने के बारे में। बस बहुत हो गया मिसी, अब मुझे खजाना नहीं चाहिए। हम अब सीधा वहीं जा रहे हैं। अरे रुक जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रुकना है।